और देखिए हमारे फुआ भी आई हुई है दोस्तों। तो पूजा की थाली तैयार हो गया है दोस्तों। ये देखिए इसमें सब डाला हुआ है, मीठा डाला हुआ है, इसमें दीपक है और सोनम भी पूरा एकदम बढ़िया तरह से रेडी है। ये देखिए इतने सारे लोग जो है हमारे घर में आए हुए हैं। तो मुहूर्त अभी आ गया है दोस्तों राखी बांधवाने का। बढ़िया शुभ घड़ी में बारिश हो रहा है चावल का। देखिए राखी में भी लिखा हुआ है दोस्तों जय श्री राम। देखिए भैया दी है ये वाला गिफ्ट, आईफोन है, आईफोन दो दो गिफ्ट है, ये वाला डायरेक्ट पार्सल से दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, आप सब लोग हमारा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों आज है रक्षाबंधन का त्योहार, तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों आज बहुत ही खुशियों का दिन है दोस्तों, क्योंकि एक बहन एक भाई को रक्षा कवच के रूप में राखी बांधती है दोस्तों, और भाई उसे गिफ्ट देता है और गिफ्ट से वो खुश हो जाती है दोस्तों बहन। तो इसलिए जो है इस रक्षाबंधन को पूरा भारत वर्ष में पूरा धूमधाम से मनाते हैं दोस्तों। जिस तरह से बाकी त्योहार को मनाते हैं उसी तरह से रक्षाबंधन का त्योहार को भी मनाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है दोस्तों ये भाई बहन का त्योहार, बहुत ही पावन त्योहार है, क्योंकि ये सावन की पूर्णिमा में ये बांधा जाता है, ये राखी का त्योहार मनाया जाता है। तो आज हम लोग पूरा धूमधाम से मनाएंगे दोस्तों घर में राखी का त्योहार। तो इसीलिए अभी हम लोग जा रहे हैं, घर की पूरा साफ सफाई तो कर लिए हैं, पूरा झाड़ू वगैरह लगा दिए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं गोबर बिछने के लिए। गोबर से पूरा एकदम लिपाई पोताई करेंगे अपना घर का और पूरा शुद्धिकरण करके हम लोग पूरा इस त्योहार को मनाएंगे दोस्तों। तो हम लोग निकलते हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं टाँड़ तरफ, है ना जी। उधर ही से हम लोग गोबर वगैरह खोज करके ले आएंगे और लिपाई पोताई करेंगे। और देखिए आज का मौसम कैसा किया हुआ है दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए, कितना अच्छा एकदम धूप उगा हुआ है। ये देखिए पूरा क्लियर मौसम भी कर दिया है, लग रहा है कि आज बारिश नहीं होगा। और इधर देखिए दोस्तों वहाँ भी पूजा पाठ करके अभी बैठे हुए हैं, श्रृंगार कर रहे हैं पूजा करने के लिए। अच्छा देखिए पूजा वूजा एकदम करने के लिए जाएंगे अभी ना। हाँ। पूजा नहीं किए हैं? नहीं किए। तो आप फटाफट चलते हैं दोस्तों टाँड़ तरफ, चलिए जी जल्दी जल्दी। और खिड़की से नजारा देखिए दोस्तों कितना मस्त है एकदम। ये देखिए कितना अच्छा पहाड़ है एकदम पूरा हरा भरा, और कितना अच्छा सुहावना हवा भी आ रहा है दोस्तों। ये देखिए मस्त लग रहा है एकदम। और देखिए हमारा बादाम बारी दोस्तों कितना मस्त लग रहा है देखने में। ये देखिए बादाम सब पूरा एकदम धूप में मस्त एकदम खिला हुआ है देखिए। और मकई भी देखिए कितना अच्छा एकदम हरा भरा दिख रहा है। तो देखिए इधर परात रखा हुआ है दोस्तों सामने में ही, इसको उठाइए और चलिए चलते हैं। सुनल पानी है ना, तो परात हम लोग ले लिए दोस्तों, अब सीधे चलते हैं टाँड़ तरफ, उधर ही गोबर मिलेगा क्योंकि उधर बैल सब फूटते हैं ना, तो वहां पर मिल जाता है गोबर वगैरह। चलिए इधर ही से चलते हैं टाँड़े टाँड़, है ना, उठने सकिएगा। चलिए उठाइए, अब हम पार होते हैं। अय्या तो बाउंड्री से नीचे हम लोग आ गए दोस्तों, अब फटाफट चलते हैं। आइए जी, देखिए टाँड़ में कितना ज्यादा चोरचोटा है दोस्तों। ये देखिए पूरा यहाँ से वहां तक पूरा एकदम चोरचोटा का ही घास दिख रहा है, देखिए कितना बड़ा बड़ा है एकदम। और देखिए ये सब दाना ना पूरा एकदम पक गया है, ये सब लटक जाता है, देखिए कैसा हो गया है। आइए जी, थोड़ा मोड़ा तो लटकेगा ही, क्या कीजिएगा। देखिए पूरा पैंट में लटक गया दोस्तों, ये देखिए इतने ही में लटक गया। अब चलते हैं जल्दी जल्दी, चलिए चलिए चलिए। तो जिधर बैल सब खुटा हुआ है दोस्तों उधर हम लोग आ गए, देखिए पूरा टाँड़ में खुटा हुआ है। ये देखिए कितना सारा बैल है, देखिए इधर बैठा हुआ है। चलिए जी इधर ही देखते हैं, इधर तो नहीं दिख रहा है, चलिए आगे तरफ देखिए। देखिए गोबर मिलना शुरू हो गया दोस्तों, ये देखिए सूख गया जी, इतना ज्यादा धूप है। लीजिए इसमें डालिए, पूरा गर्म लग रहा है ना। ताजा गोबर है लेकिन धूप के कारण से सूख गया ना, इसमें आधा परात होने से तो मिल जाएगा। देखिए ये पूरा एकदम ताजा गोबर है, उठाइए इसको। चलिए हो जाएगा। तो इतना गोबर हम लोग बीछ लिए दोस्तों, अब हम लोग का हो जाएगा, अब हम लोग चलते हैं सीधे घर, है ना जी। चलिए आइए,
तो घर हम लोग पहुंच गए दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट कलवर घर की लिपाई करते हैं। चलिए जी इधर ही से जल्दी जल्दी, काफी गर्मी जी, बहुत ज्यादा गर्मी क्या। तो हम लोग आ गए दोस्तों कलवर घर, अब हम लोग फटाफट लिपाई करते हैं, है ना जी। लाइन कट गया जी, देख रहे हैं पूरा लाइन कट गया है, अंधेरा दिख रहा है एकदम। चलो उधर का दरवाजा खोलिए, अब उजाला आया, देखिए पूरा लाइन कटा हुआ है दोस्तों, लेकिन दरवाजा खोलते ही कुछ कुछ उजाला हो गया। इसी तरह से करता है, तुरंत में लाइन कट जाता है, तुरंत में बारिश होने लगता है, तुरंत में हवा तूफान देने लगता है, तुरंत में धूप उग जाता है, है ना। तो अब हम लोग चलते हैं फटाफट लिपाई करते हैं, अब पानी वगैरह लेकर के आते हैं जी, है ना। देखिए इधर सभी में पानी भरा हुआ है, टॉप में भरा हुआ है, इधर बैग में भरा हुआ है, इधर देखिए बसनी में भरा हुआ है, इधर बाल्टी में भी भरा हुआ है, सब जगह पानी फूल है। और उधर देखिए डेक्ची में भी पूरा एकदम फूल कर दिए हैं, तीनों डेक्ची में। अब चलते हैं फटाफट पानी पहुंचा देते हैं कविता जी को, थोड़ा पानी निकाल दिए, गोबर का घोल बनाने में सुविधा होगा। लीजिए जी पानी, पानी तो लेके आ गए हैं दोस्तों, अब फटाफट घोल बनाते हैं। चलिए जी बनाइए, तो घोल अभी बन रहा है दोस्तों गोबर का, यहाँ पर पूरा एकदम लिपाई पोताई होगा पूरा घर आंगन। तो गोबर का घोल हम लोग का रेडी हो गया है दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट लिपाई करते हैं। चलिए जी, चलिए अंदर से ही लिपाई करते हुए आएंगे दोस्तों बाहर तरफ। चलिए इधर कोना से ही लिपेंगे, देखिए इतना ज्यादा बारिश हुआ है दोस्तों कि देखिए अभी तक भींगा हुआ है, हल्का हल्का लिपिएगा जी, है ना। तो कविता जी कोना से लिपते हुए आएंगे दोस्तों, और लिपते लिपते बाहर तरफ उधर चले जाएंगे। देखिए पूरा एकदम मस्त से घोल बन गया है, तो कितना अच्छा लिपाई हो रहा है, ये देखिए न ज्यादा गाढ़ा है न ज्यादा पतला है, एकदम एक नंबर दिख रहा है। लिपते लिपते इधर आ गए हैं द्वार के सामने, अंदर में हो गया है, देखिए सिर्फ यहाँ बाकी है, बाहर में बाकी है, इसको लिप लेंगे। अब यहाँ रख लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ बाकी है, लिप लेंगे, उसके बाद बाहर में लिपेंगे। तो कविता जी उधर लिपाई कर रहे हैं दोस्तों, तब तक चलते हैं यहाँ पर पर्दा लगा देते हैं, इसको बहुत दिन से खोज रहे थे, मिल ही नहीं रहा था, इसलिए हम लोग नहीं लगाए थे, आज मिल गया है तो इसको लगा देते हैं बढ़िया तरह से। देखिए यहाँ पर कांटी पहले से ठोका हुआ है दोस्तों, इसी में बांध देते हैं। देखिए उधर बांध दिए हैं, अब इधर बांध देंगे। देखिए पर्दा लगा दिए दोस्तों द्वार में, तो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, ये देखिए एकदम यहाँ से वहां पूरा एकदम पैक हो गया, और अच्छा भी लग रहा है एकदम, ये देखिए कितना खूबसूरत हम लोग का दरवाजा लग रहा है। चलिए ये तो कंप्लीट हो गया, पर्दा लग गया, तो घर अच्छी तरह से लिपाई हो गया है दोस्तों, पूरा अंदर बाहर बढ़िया तरह से लिप दिए, अब कम्प्लीट हो गया है। और देखिए अभी मौसम कैसा कर दिया है दोस्तों, ये देखिए पूरा एकदम काला काला बादल ढका हुआ है, लग रहा है कि बहुत जबरदस्त बारिश होगा, उस टाइप का मौसम बना दिया है। तो अब चलते हैं दोस्तों फटाफट नहा धो करके रेडी हो जाते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाएंगे। चलते हैं इधर से ही उधर नहाएंगे आगे तरफ, तो ये दरवाजा साइड आ गया दोस्तों, और देखिये अभी कविता जी बैठे हुए हैं लिपाई पोताई करके, है ना जी, नहाना नहीं है, नहाना है तो नहाइए जल्दी से। तो कविता जी भी नहाएंगे दोस्तों, लेकिन बाद में नहाएंगे, क्योंकि उनका जो है बर्तन वगैरह धोना है, देखिए ये सब बर्तन पड़ा हुआ है, इस सब को धो लेंगे, उसके बाद में नहा धोवा करेंगे। तो चलते हैं हम फटाफट कपड़ा वगैरह खोलते हैं और नहाते हैं। तो नहा धो करके फ्रेश हो गए दोस्तों, और देखिए बढ़िया तरह से रेडी भी हो गए हैं, अब समय हो गया है दोस्तों राखी बांधने का, तो अब चलते हैं फटाफट राखी बांधवाते हैं। देखिए इधर सोनम आ गई है, और अभी सारा सामान जो है तैयार कर रही है राखी बांधने वाला,
देखिए थाली सजा रही है। देखिए यहाँ पर सिंदूर है और यहाँ पर देखिए दीपक वगैरह सब है, अरवा चावल, राखी, इधर देखिए मीठा भी है, पेड़ा वगैरह, और इधर देखिए दोस्तों मुकेश बाबू भी है, ये तो राखी बांधा लिया ना। और देखिए इधर रंगीला बाबू पहले से तैयार है गिफ्ट देने के लिए ना बाबू, है लक्ष्मी को गिफ्ट देगा। और देखिए हमारे फुआ भी आई हुई है दोस्तों पिताजी को राखी बांधने के लिए। देखिए इधर लक्ष्मी, लक्ष्मी पहले ही गिफ्ट लेकर के खड़ी है, गिफ्ट मिल गया, अच्छा हाँ कर रही है। और इधर देखिए दोस्तों विजय भाई भी आ गया है राखी बांधवाने के लिए। और देखिए पिताजी पूजा पाठ करके राखी भी बांधवा लिए, अब हमारा राखी बांधना बाकी है और विजय भाई का, अभी हम लोग दोनों साथ में बांधाएंगे। और ये रहा गिफ्ट, और देखिए ये रहा विजय भाई का गिफ्ट, और उसमें क्या चीज है दोस्तों आप लोग को सब पता चल जाएगा, जिसको गिफ्ट मिलेगा वो खुद दिखाएगी। देखिए सोनम को गिफ्ट मिलने वाला है, देखिए इधर पिताजी बैठने का व्यवस्था कर रहे हैं, कुर्सी वगैरह सब लेकर के आ रहे हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों, बैठते हैं चेयर में और राखी बांधवाते हैं। तो पूजा की थाली तैयार हो गया है दोस्तों, ये देखिए इसमें सब डाला हुआ है, मीठा डाला हुआ है, इसमें दीपक है, सिंदूर है, और देखिए अरवा चावल वगैरह सब है, राखी भी रखा हुआ है, यानी सब कुछ रेडी हो गया है दोस्तों। और सोनम भी पूरा एकदम बढ़िया तरह से रेडी है, ये देखिए सब कंप्लीट है। और देखिए इतने सारे लोग जो है हमारे घर में आए हुए हैं, सब को एकदम पूरा राखी बांधने के लिए, राखी का त्योहार मनाने के लिए, क्योंकि भाई बहन का त्योहार है, हम सब भाई बहन का ये त्योहार ही है, रक्षा बंधन, अटूट प्रेम, अटूट बंधन का ये त्योहार है, अजब का त्योहार है, गजब का त्योहार है ये। तो मुहूर्त अभी आ गया है दोस्तों राखी बांधवाने का, हम लोग 2 बजे के बाद में राखी बांधवा रहे हैं, पहले से नहीं बांधने का था, इसलिए हम लोग सोचे कि 2 बजे के बाद बन रहा है तो हम लोग थोड़ा सा लेट से ही बांधवाते हैं। तो अभी शाम हो गया है, तो शाम में अभी हम लोग राखी बांधवा रहे हैं। तो देखिए सोनम सब चीज रेडी कर ली है और अब आरती वगैरह करेगी, उसके बाद में राखी बांधेगी। बारिश हो रहा है चावल का, बढ़िया शुभ घड़ी में बारिश हो रहा है चावल का, बड़ा आन धान से हम लोग का घर भर जाएगा, भर जाएगा। तो आरती का विधि संपन्न हो गया दोस्तों, अब राखी बांधने जा रही है सोनम, ये रक्षा कवच है राखी के रूप में, ये देखिए एक बहन एक भाई को राखी बांधती है अपना भाई को रक्षा करने के लिए, ना पतला पतला दो बार बांधे खा के मोटा। देखिए राखी में भी लिखा हुआ है दोस्तों जय श्री राम, देखिए जय श्री राम, कितना अच्छा राखी ली है सोनम एकदम। ये भाई बहन का अटूट प्रेम है दोस्तों, जो आज के दिन में मनाया जाता है सावन पूर्णिमा के दिन में, खुश रहे। अब रंगीला बाबू बांधवाएगा लक्ष्मी से राखी, क्या लक्ष्मी चलो लक्ष्मी ऐसे ऐसे करो, लो लो चुमा चुमा पकड़ो, हाँ यहाँ छीट दो, छीट दो उसके पास छीट, रंगीला अपने ले ले, लो ये वाला खिला दो, लो दादा को खाओ, नमो करी नमो करी नमो करी नमो करो, चलो चलो ये वाला राखी बांध। तो राखी हम लोग दोनों भाई बंधवा लिए हैं दोस्तों, अब हम लोग का बारी है गिफ्ट देने का, क्योंकि इतना सारा गिफ्ट लेके आए हुए हैं देने के लिए। देखिए विजय बाबू का ये वाला गिफ्ट है और मेरा ये वाला गिफ्ट है, अब चलते हैं देते हैं। देखिए भैया दिए ये वाला गिफ्ट, अब क्या है इसमें आप लोग को फिर आईफोन है, आईफोन बाप रे। देखिए काफी मतलब हर्षोल्लासित है दोस्तों, पूरा एकदम घर में उत्साहित है ये रक्षाबंधन का त्योहार को लेकर के। और अब देने जा रहा है विजय बाबू सोनम को गिफ्ट, दो दो गिफ्ट है, ये वाला डायरेक्ट पार्सल से दे रहे हैं, डायरेक्ट कोरियर से मंगा करके दे रहा है विजय बाबू। देखिए हम खुद से ले दिए हैं,
अच्छा चलिए दो दो गिफ्ट। विजय बाबू तो इस बार दो दो गिफ्ट दिया। दो दो गिफ्ट में पैसा नहीं है उसी के अंदर में पैसा भी है। हाँ पैसा रखने वाला इसमें है। तो आप लोग तो देखे ही दोस्तों, हम लोग पूरा एकदम धूमधाम से रक्षाबंधन का त्योहार मनाए, काफी अच्छा लगा। सोनम को गिफ्ट भी दिए और सोनम को तो एकदम पूरा फूल हो गया गिफ्ट से, पूरा हाथ। और लक्ष्मी को भी दे दिया रंगीला बाबू गिफ्ट। देखिए ये वाला गिफ्ट है, देखिए बाबू दिया है, टेडी भी है, बहुत अच्छा है। खैर देखिए माँ भी कितना ज्यादा खुश है लक्ष्मी। ये खुशियों का त्योहार है, ये है दोस्तों, ये रक्षाबंधन का त्योहार, भाई बहन का त्योहार है, बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये खुशियों का त्योहार मना जाता है और ऐसे भी हर एक त्योहार जो हम लोग पूरा धूमधाम से ही मनाते हैं, पूरा खुशियां मनाते हैं। तो काफी अच्छा लगा आज हम लोग का रक्षाबंधन का त्योहार मनाने में, पूरा मजा आ गया। और अभी काफी शाम हो गया है दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं, खाना पीना की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज सुबह से ना पूरा दम हम लोग रक्षाबंधन का ही त्योहार मनाने में पूरा लगे हुए हैं, पूरा धूमधाम से हम लोग पूरा तैयारी भी किए हुए हैं। तो चलते हैं, अब हम लोग खाना पीना बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल बनाए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।